इज़ गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे। हम भी सब ठीक है और फौजी अपना काम से जा चुके हैं। बच्चों के लिए खाने पीने के लिए बना दिया है, नहला भी दिया बच्चों को और झाड़ू पोछा सब हो गया है। मैं करूँगी थोड़ी सी सिलाई, मेरा अधूरी पैंट रह रही है। वो तो कल भी रखी थी मशीन पर नहीं सिल पाई, तो इस कल कोई फ्रेंड आ गई थी घर पर, इसलिए रखी रह गया था कपड़े सारे के सारे। तो आज इसको सिल लेती हूँ और लंच वगैरह सब कुछ तैयारी करके रख दी है। जब बच्चे खाएंगे करते हैं काम। ये फौजी से मैंने ये पिलक लगवाई थी ये वाली, तो क्या करती इसके अंदर डाल रही हूँ वो निकल रहा है, क्योंकि ये साइज ना ये वाला बीड़ा है, इसमें डलता ही नहीं है, ज़बरदस्ती डाल देती हूँ ऑटो में निकल जाता है। तो मैंने ये देसी जुगाड़ किया है, भगवान तो मेरी रक्षा करे गलती से इस पर हाथ ना लगे। अगर हाथ लग गया ना बच्चे ना बिना मम्मी रह जाएंगे, तो इसलिए भगवान से दुआ करते हैं भगवान सिलाई करूं जब तक वहाँ पे हाथ ना जाए। फौजी को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे। तो फौजी आते से पहले पहले सिल लेती है। फौजी आया ड्यूटी से, भूख लग रही है तो बना दी, बेटी ने बनाई। वही कपड़े धो लिए फौजी आने के बाद, उनकी भी ड्रेस धो गई और सुखा भी दिए। अब मैं फ्री हो गई हूँ, अब टाइम हो रहा है 7:15 का, तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट सब्जी वगैरह लेने के लिए। आज सुबह भी कैसे भी करके खाना बना दिया था, कल नहीं बन पाएगा, इसलिए बच्चों ने अभी ठंडाई पी है तो बच्चों को भी इतना भूख नहीं है, तो खाना तो थोड़ा लेट बन जाएगा तो चलेगा। तो अब जा रहे हैं मार्केट और डिनर के लिए मैंने दाल भी खोदी है, आके माटा लगा लूँगी। आ गई हूँ मार्केट से और सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह लेके आ गई हूँ। और गर्मी इतनी है, मतलब हवा भी महसूस है जब गर्म गर्म लूँ तो आँच बल रही हो, उसकी लुक जो भी हो गर्म गर्म लगता है, ऐसी ऐसी हवा चल रही है भाई, भयंकर वाली गर्मी हो रही है। तो करते हैं अब डिनर की तैयारी। डिनर में मैं तो बनाऊँगी दाल भाई, और तुम क्या बनाओगा वो कमेंट में लिख दियो। तो करते हैं तैयारी।